सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग एंड टुडे इज अ वुमेन्स डे. टू हैप्पी वुमेन्स डे ईच एंड एवरी वुमेन आउट देयर. एंड आज वुमेन्स डे स्पेशल है तो मुझे लगा मुझे भी कुछ स्पेशल करना चाहिए. तो मैं आज कुछ ऐसे लेडीज से मिलूंगी जिनसे मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब मिलते हैं और वो इतनी मेहनत करती है, इतना काम करती है, घर चलाती है, सब कुछ करती है. तो उसकी उनकी कुछ अनटोल्ड स्टोरीज है जो मैं आपको बताऊँगी एक्चुअली. और चलिए चलते हैं, सबसे मिलते हैं. और कुछ बच्चों से भी मैं मिली जो ट्यूशन्स में आते हैं, उन्होंने भी बताया उनकी आइडियल वुमेन कौन है और क्यों वो इतना इनको पसंद करते हैं. तो वो सब आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं. तो चलिए चलते हैं. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर. एंड मैं जस्ट चाय पी रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वुमेन्स जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है. और मेरे खुद के घर में चार वुमेन्स हैं, चार लेडीज़ हैं. उन वो खुद अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर चुकी हैं. तो आई जस्ट प्राउड ऑफ ऑल द लेडीज़ इन माई हाउस एंड ऑल द वुमेन्स आउट देयर हु आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड फॉर द करियर. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द वुमेन्स. थैंक यू. मैं यहाँ पे चेतन के कुछ कपड़े दिए हुए थे, वो देने के लिए आई थी तो मैंने देखा इन्हें. सो आंटी, आप यहाँ पे पूरे दिन काम करते हो? आप यहाँ पे पूरे दिन काम करते हो? घर पे खाना कौन बनाता है? बच्चे को आप संभालते हो? मतलब आप देख सकते हो ये घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है और अंकल के साथ में यहाँ पे, अंकल भी हैं तो अंकल के साथ में यहाँ पे पूरा दिन आयरन करते हैं. और मतलब वुमन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि औरतें कितना काम और कितना मेहनत करती हैं. शाम बज रही है, अभी शाम का खाना आप जाके बनाओगे और दोपहर का लंच बना के आते हो. देखो अब इससे ज़्यादा और क्या बोल सकती हूँ मैं, आप खुद देख सकते हो. मतलब इतने कपड़े हैं, इतनी मेहनत करना इस टाइम पे गाइस, सीरियसली बता नहीं सकती हूँ आपको. थैंक यू आंटी, हैप्पी वुमेन्स डे. आंटी निमा इसरी शकुंतला. कितने बजे को आता? सुबह 7. और शाम को कब जाता? 8 बजे. 8 बजे, मतलब ये सुबह आती है और शाम को जाती है 8 बजे. मतलब आपका 13 आवर्स आप ड्यूटी करते हैं यहाँ पे. ये नारियल यहाँ पे देते हैं, नारियल तोड़ना इजी नहीं है उनके लिए, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है ना आंटी. और खाना कौन बनाता है आंटी? हमारा खुद से. मतलब 13 आवर्स ये खड़े रह के यहाँ पे सबको नारियल देके फिर ये खाना बनाती है. मतलब आप देख सकते हो इससे ज़्यादा तो वुमेन एम्पावरमेंट की कोई ज़रूरत है ही नहीं मुझे बोलने की. कितना प्रॉब्लम होता है आंटी? कुछ प्रॉब्लम होता है संभालने में? कुछ प्रॉब्लम आता है? क्या प्रॉब्लम आता है? हैंड पेन करता है पूरा. और मारे 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 साथ. कन्नड़ा में बोल दो आप. कन्नड़ा अच्छा अच्छा हाँ. मतलब ये नारियल तोड़ते हैं तो इनका हाथ पूरा दुखता रहता है पूरे दिन. अच्छा, और क्या स्ट्रगल करते हो आप? और प्रॉब्लम क्या आता खाना बनाने में? ये आंटी मैं बता दूँ आपको, इन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, ये पूरे जल चुके थे 8 ईयर्स पहले. 8 ईयर्स आंटी ईयर बैक सांबर ये बना रहे थे और वो पूरा सांबर ब्लास्ट हो गया. देख यार, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी ये देख रहे हो इतनी मेहनत वाला काम करती है. मतलब सल्यूट है यार इनको, सच में सल्यूट है. सल्यूट आंटी, बहुत मेहनत का काम करते हो आप, ग्रेट. और इतना खुश रहना इतना काम करने के बाद में, हमेशा खुश रहती है आंटी, हमेशा स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग. क्या स्मेलिंग? काम करता डेली, खाना बनाता, खाता, सोता. यही लाइफ है आंटी, यही लाइफ है. खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, काम करो. इतना नारी मारता, इतना मारी ले एक रोज को, इतना पूरा खाली करता. नारियल तोड़ना सच बहुत टफ काम है. और ये पूरा नारियल नीचे भी है, मैं दिखा सकती हूँ आपको, नीचे भी है बहुत सारा नारियल है. जाम दो दुकान. एक साथ दो दुकान चलाते हो आप? एक साथ में. वेरी गुड, वेरी नाइस. मैं यहाँ पे
समोसे और कचौड़ी की यहाँ पे हमारे जोधपुर में फेमस शॉप है, यहाँ पे आई थी। तो ये मैं इनसे मिलती हूँ, रोज मिलती हूँ क्योंकि इनकी रोड पे शॉप है। सो दीदी आपको बताएंगी कि वो कैसे मतलब एक वुमेन होके इतना काम संभालती हैं। कितने बजे आती हो दीदी? 9 बजे। सारा काम करके आ जाते हो मतलब भैया के साथ में? आप यहाँ पे सुबह सुबह आ जाते हो? साथ में ही दुकान ओपन करते हो? हाँ। और फिर शाम को साथ में जाते हो? हाँ, साथ में जाते हैं। हाँ। अभी अब जाके खाना बनाओगे? हाँ, जाके बना दिए। मतलब अभी ये समोसे बना रही थी, अभी ये मतलब आटा मैंने लगाया हुआ था, मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि अगर वुमेन्स डे है तो उनको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि शायद कौन बात करना चाहेगा? Who wants to talk? Okay. So who is your ideal woman? My mother. Your mother? Why your mother? ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. So you are so proud to your mama? Oh, you are so proud of your mom. Very nice. So what's your name? Abhignya. Abhignya. Very nice name, Abhignya. Mama, manelu kelsa martare, school allo kelsa martare, erkadenu manage maarkontare, nannannu nodkontare, maneli ellarnu nodkontare. Oh wow. What's your name? My name is Deepthi. You're very beautiful, Deepthi. Thank you. So, what you are, who is your ideal woman? My mother. Your mother? My mother is a very hardworking woman. Mm-hmm. She is a very important role in my life. Mm-hmm. And there is a proverb that says, a child is good or evil, it all depends on, the future depends on, is on our mother. Mm-hmm. A father cannot establish a child's feelings, mm-hmm. but a mother can. She is our backbone of our family. Very nice. And you want to say something? So? My mom is going to eat food, and she is going to eat food. Very nice.